नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेक डीआईवाई के एक एक्साइटिंग प्लेग्राउंड सेशन में। इस बार हम स्प्रिंग क्लाउड गेटवे देखेंगे और पिछला जो वीडियो था उसमें हमने यूरेका नेमिंग सर्वर देखा था कि किस तरह से हम हमारी सारी सर्विसेज को डैशबोर्ड पे दिखा सकते हैं उनके पोर्ट और उनके लोकेशन के साथ, ठीक है, और कितने इंस्टेंसेज एक्टिव है वो सब हम दिखा सकते हैं। और ये जो हमारा इस बार के सेशन का है, ये हमारा की मोमेंट्स रहेंगे, इंट्रोडक्शन, स्टोरी एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक अच्छी स्टोरी, आपके एक कहानी लेके आए हैं। इस कहानी के अनुसार एक बहुत समय पहले एक कस्टमर नाम का व्यक्ति था और अभी तक उसने रजिस्ट्री देख ली है। अब वो और डिमांड करता है, उसको एक जादूगर मिलता है और वो जादूगर से और डिमांड करता है। इस बार वो चाहता है, तो यही कहानी अभी आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा पुअर कस्टमर है और वो जादूगर के सामने खड़ा हुआ है अपनी डिमांड्स लेके। और इस बार के सेशन के सारे जो सारा जो मटेरियल है, बेसिकली हमने स्प्रिंग आयो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ से इसको लिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा हर बार की तरह। तो हमारा जो कस्टमर है कहता है, जादूगर जी धन्यवाद, अब मैं सभी सर्विसेज को यूरेका डैशबोर्ड पर देख सकता हूँ जैसा कि इसने कहा है। तो जादूगर जी बोलते हैं, धन्यवाद श्रीमान, आपके लिए कुछ भी। कस्टमर कहता है, कितना अच्छा हो कि हम एक ही दरवाजे से सभी सर्विसेज में जा सकते हैं या एक ही पाथ से सभी सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। हम आपको एक जादुई दरवाजा देंगे जिससे आप किसी भी सर्विस तक जा पाएंगे। सुनने में काफी अच्छा लगता है, सुनने में काफी अच्छा लगता है। चलिए आगे आपको करके दिखाते हैं, हमारे जादूगर महोदय बोले। और अब हम भी अपने प्लेग्राउंड की तरफ चलते हैं इसी के साथ। तो ये हमारा प्लेग्राउंड है, मतलब ये हमारा लॉन्च पैड है। यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आईओ में हमने डिपेंडेंसी ऐड की है स्प्रिंग क्लाउड राउटिंग। और आज के सेशन में बेसिकली हम राउटिंग ही देखने वाले हैं। तो ये ग्रेडल प्रोजेक्ट हमने बनाया है और इसको अभी हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने आइडिया में। और अभी ये आइडिया यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है प्रोजेक्ट हमारा आइडिया में। और यहाँ इंपोर्ट होने के बाद आप देख पाएंगे कि कॉन्फ़िगरेशन हमको क्या क्या करनी है। और जैसा कि मैंने आपको लिंक बोला है कि आप वहाँ से ले सकते हैं, स्प्रिंग डॉट आई ओ डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दिया है, वहीं उसी को हमने भी फॉलो किया है यहाँ पे इस सेशन में। और बेसिकली इस दो तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन की जा सकती है, एक YAML फाइल के थ्रू और दूसरी प्रोग्रामेटिकली, मतलब हम एक क्लास लिख के भी कर सकते हैं जिसमें हम राउट लोकेटर का बीन इंजेक्ट करेंगे, तो वैसे भी हम कर सकते हैं। तो वो एग्जांपल उसने स्प्रिंग आईओ डॉक्यूमेंटेशन में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। हमने मोस्ट प्रेफरेबली जो किया जाता है वो YAML के थ्रू करने का सजेशन रहता है, तो हमने भी YAML के थ्रू ही किया यहाँ पे। और क्या होता है कि जो अपना स्प्रिंग क्लाउड गेटवे है, इसके अंदर मेनली जब कॉन्फ़िगर करने जाते हैं एक एक पाथ को, तो उसमें चार पॉइंट्स हमको हमेशा याद रखने हैं। पहला है आईडी, दूसरा है यूआरआई, तीसरा है प्रेडिकेट, जो कि अपने जावा 8 वाला प्रेडिकेट क्लास होती है, फंक्शन क्लास वो, और चौथा है फिल्टर, ठीक है। तो फिल्टर हम अगले सेशन में कवर करेंगे, यहाँ पे हमने प्रेडिकेट तक शो किया है कि, और प्रेडिकेट ये बताता है कि जैसा कि अगर आपको मालूम होगा तो जावा 8 में प्रेडिकेट जो होता है वो टेस्ट अपने कंडीशन स्टेटमेंट जो होती है उनको रिप्लेस करने के काम आता है, ठीक है। और उसका आउटपुट जो है हमेशा एक रिटर्न टाइप जो है हमेशा बूलियन रहता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस को हम प्रेडिकेट क्लास के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम अपना ग्रेडल प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं ग्रेडल कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या ऐड हुआ है। तो मेनली यहाँ पे ये हमारा जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन और EXT वर्जन वगैरह वो सब यहाँ पे ऐड हुआ है प्रॉपरली, क्योंकि हम वहीं से स्टार्टर आयो से ही लेके आए थे, तो वो सब तो ठीक है।
और दूसरी चीज़ जो है वो अपना, अब क्योंकि ये जो है हमारा स्प्रिंग, ये जो हमारा क्लाउड गेटवे हमने बनाया है, स्प्रिंग क्लाउड गेटवे नाम से हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है, इसको हमको अपना डिस्कवरी क्लाइंट बनाना पड़ेगा। डिस्कवरी क्लाइंट क्यों बनाना पड़ेगा? ताकि हम इसको भी डैशबोर्ड पे देख सकें और वहीं से हम सारी सर्विसेज को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर भी कर सकें। ठीक है, तो वही हम करने जा रहे हैं। और ये हमारा सर्वर पोर्ट 9000 पे चलेगा, और सर्वर एप्लीकेशन का नाम हम क्लाउड गेटवे दे देते हैं। ठीक है, और या एपीआई गेटवे, या फिलहाल के लिए वैसे ये एपीआई गेटवे ही है। इसको हम क्योंकि स्प्रिंग क्लाउड गेटवे से बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इसका नाम स्प्रिंग क्लाउड क्लाउड गेटवे दिया है। और अभी हम एक बार इसको सिंपली स्टार्ट करके देखते हैं, अपना सर्विस स्टार्ट होता है या नहीं होता है। हम सब हमेशा जब भी कोई प्रोजेक्ट इंपोर्ट करते हैं स्प्रिंग बूट का, तो हम सिंपली उसको एक बार उसको स्टार्ट करके जस्ट चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई इशू तो नहीं आ रहा है। अभी इशू नहीं आ रहा था, तो हम अभी उसकी नेटफ्लिक्स डिस्कवरी क्लाइंट ऐड करने जा रहे हैं। यहाँ पे यूरेका स्टार्टर, यूरेका क्लाइंट होना चाहिए, देखते हैं। हमने जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, उस टाइम में हमने ये लिया था, नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट लिया था और वर्जन ये लिया था। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि हमको कुछ इश्यूज़ आते हैं इस वजह से, और उसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और क्योंकि डिस्कवरी क्लाइंट है, तो एनोटेशन भी हमको ऐड करना पड़ा, @ इनेबल योर डिस्कवरी क्लाइंट, तो वो हमने ऐड किया है वहाँ पे। और यहाँ पे ये जो मैं इसी की बात कर रहा था, ये जो कॉन्फ़िगरेशन ये स्पेसिफिक है क्लाउड गेटवे के लिए। तो यहाँ पे हमने कहा स्प्रिंग क्लाउड गेटवे आईडी, और आईडी में हम ये स्प्रिंग मोंगो क्रड जो हमारी सर्विस थी उसका आईडी दे रहे हैं। आईडी यूनिक होना चाहिए, तो यहाँ पे बेसिकली माइक्रो सर्विस का नाम ही आता है कि हम कौन सी माइक्रो सर्विस को यूज़ करने जा रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो आईडी में हमने मोंगो क्रड बोला है, जो कि हमारी एक सर्विस है जो हमने पहले डेवलप की थी, और इसका भी लिंक हम आपको आई आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और जो हमारी रन करेगी 8090 पोर्ट पे। प्रेडिकेट, यहाँ प्रेडिकेट में हम बताते हैं कि पाथ में किस किस पाथ में ये जा सकता है। मान लो आप चाहते हैं कि कुछ आपकी माइक्रो सर्विस के कुछ ही पाथ एक्सपोज हो एक्सटर्नल से, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि पाथ इक्वल टू स्लैश स्प्रिंग स्प्रिंग मोंगो क्रड स्लैश स्टार 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 का अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस पता होंगे, तो स्टार स्टार का मतलब होता है सारे, उसके नीचे आने वाले सारे जो पाथ हैं वो हम एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम दूसरा जो हमारा सर्विस है वो भी हम यहाँ कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया था, फ़िल्टर्स हम यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं, तो फ़िल्टर्स इसीलिए हमने यहाँ पे शो भी नहीं किया है। ठीक है, ये सिंपल राउटिंग का ही एग्जांपल है आज का। तो आप देख सकते हैं हमें, हम अभी अपनी जो दूसरी सर्विस है थाइम लीफ मोंगोडीबी, उसको भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दे रहे हैं। 8089 URI है उसका, और प्रेडिकेट में हम कंडीशन वही सेम कंडीशन बता देंगे कि भैया स्लैश थाइम लीफ स्लैश मोंगो, इस नाम की जो भी सर्विस हो उसके अंडर के सारे जो पाथ्स हैं, ठीक है, वो सब हम एक्सेस कर पाए अपने गेटवे से। अभी अपने गेटवे को बता दिया कि भैया तुम कहाँ कहाँ तक जा सकते हो। ठीक है, तो ये जो गेटवे है वही हमारा वो डोरेमोन का जादुई दरवाज़ा है, जिसको खोल के आप किसी भी सर्विस में जा सकते हैं, वही यहाँ पे हो रहा है। और क्योंकि हमने अभी यहाँ पे अभी हमारी माइक्रो सर्विसेज को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई इन द सेंस हम क्या करने जा रहे हैं कि पहले हमारी डिफ़ॉल्ट राउटिंग थी, मतलब रिक्वेस्ट मैपिंग जो हमने डिफाइन किया था फंक्शन, तो उसमें हमने डिफ़ॉल्ट पास किया था। अभी डिफ़ॉल्ट की जगह हम क्या कर रहे हैं, उसकी जगह सर्विस का नाम पास कर रहे हैं। तो जितने भी उसके अंडर में पाथ रह जाएंगे वो सर्विस के नाम से होंगे। ठीक है, तो वो हम चेंज यहाँ करने जा रहे हैं, जैसे कि स्प्रिंग, और ये हुआ। अभी हम इसको रन करके देखेंगे, मोस्टली हमारा काम हो चुका है यहाँ पे। और यूरेका क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं, यूरेका सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं।
वहाँ पे हम, और उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा आई आई बटन में। ठीक है, अभी कुछ एरर आ रहा है, आप देखते हैं क्या एरर आ रहा है। हाँ, ये एरर मैं जैसा कि आपको पहले भी बता रहा था रिकॉर्डिंग के टाइम हमको आई थी। हमने इसका रिजोल्यूशन कैसे किया, ये एरर हमको क्लास नोट फाउंड वगैरह का आया था, तो बेसिकली इसका रिजोल्यूशन हमने किया है यहाँ से। हमारे जो प्रीवियस जो क्लाइंट्स हमने डिफाइन किए थे, तो उनमें हमने स्टार्टर नेटफ्लिक्स यूरे का क्लाइंट लिया था, तो हम सेम डिपेंडेंसी यहाँ पे भी ऐड करने वाले हैं। इंस्टीड ऑफ यूजिंग क्लाउड नेटफ्लिक्स यूरे का क्लाइंट, अभी हम स्टार्टर नेटफ्लिक्स यूरे का क्लाइंट यूज करेंगे। ठीक है, और क्योंकि हम एनोटेशन इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट यूज कर रहे थे, तो शायद इस वजह से भी मिसमैच हो रहा था, और वर्जन हमको नहीं डिफाइन करना है, क्योंकि वर्जन क्योंकि हमारा जो पेरेंट पॉम है और उसके साथ जो स्टार्टर कॉन्फ़िग है, यानी कि टेम्पलेट जो है, वही डिसाइड करते हैं कि किस वर्जन, किस स्प्रिंग वर्जन के साथ कौन कौन सी डिपेंडेंसीज ऐड होनी है। तो बेटर यही है कि हम अलग से यहाँ पे कोई वर्जन न डिफाइन करें, तो वही हम भी कर रहे हैं। पहले हमने किया था वर्जन डिफाइन, अभी हमने उसको हटा दिया है। तो आप भी जब इस तरह की इश्यूज फेस करते हैं, तो ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने प्रॉपर वर्जन दे दिया जो हमारे दूसरे क्लाइंट्स में था, और अभी स्टार्ट करते हैं सर्वर को। सर्वर रिबाउंस होने के बाद आप देख पाएंगे कि पोर्ट नंबर 9000 पे हमारा एपीआई गेटवे रजिस्टर हो गया होगा, और यही हम डैशबोर्ड पे भी देख पाएंगे क्योंकि ये डिस्कवरी क्लाइंट है। ठीक है, डिस्कवरी क्लाइंट होने पे यूरेका डैशबोर्ड पे हमको ये मिल जाएगा, और ये हमारी दूसरी सर्विसेज हैं जो कि 8089 पे और 8082 पे चल रही होगी। टाइम लीफ वाली जो है वो 8089 पे चल रहा है, और ये जो है वो 8082 पे चल रहा है। ठीक है, तो ये हम अभी हम इसको, जैसा कि आप देख पाएंगे, ये हमारा यूरेका डैशबोर्ड है, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेबल है इसमें दिखा रहा है क्लाउड गेटवे इज रनिंग ऑन 9000, मोंगो क्रड इज रनिंग ऑन 8090, सॉरी। तो हाँ, वही सारे पोर्ट्स वगैरह प्रॉपरली यहाँ पे शो हो रहे हैं, और अभी जैसा आप देख सकते हैं हम 9000 से अपना जो सर्विस है उसको कॉल कर रहे हैं, स्प्रिंग मोंगो क्रड को, वो भी हम कर पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो उसका स्लैश ऑल वाला जो पाथ था, स्लैश ऑल करने पे हमारे सारे ब्लॉक्स वो शो कर रहा था, तो वही पाथ अभी हम एक्सेस करके देख रहे हैं। तो इसने लिस्ट कर दिए सारे ब्लॉक्स, और दूसरी तरफ 9000 में थाइम लीफ मोंगो डीबी वाला जो हमारा एप्लीके माइक्रो सर्विस थी, वो भी हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं सेम थाइम लीफ स्लैश थाइम लीफ के नाम से, स्लैश एप्लीकेशन नेम से। तो इस तरह से हम ये गेट मैपिंग के थ्रू हमारा सेम एक ही दरवाजे से सारे माइक्रो सर्विसेज में हम जा पा रहे हैं। अगर मैं अपभ्रंश या साधारण भाषा में बोलूँ, तो एक ही दरवाजे से हम सारी सर्विसेज में जा पा रहे हैं। ठीक है, तो यही है आज का सेशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम, ये हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे सारी सर्विसेज एक्टिव है कि क्या है वो ये बता रहा है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, और हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए धन्यवाद। हमें आप इसे अधिक से अधिक लोगों में, अपने मित्रों से के साथ शेयर करें, हो सकता है उन्हें इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों, कुछ मुसीबतें उसमें आ रही हों, तो वो उसको यहाँ से रिजॉल्व हो पाए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मात्रा में हमें समर्थन दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।